हेलो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एक्सरसाइज 4.2 का प्रॉब्लम नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जांपल 1। तो देखिए, यहाँ एग्जांपल 1 जो है, ये एग्जांपल 1 का प्रॉब्लम है। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस मैथमेटिकली। तो यहाँ दो पार्ट हैं, तो फर्स्ट पार्ट में आपको क्या बोल रहा है, जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। Both of them lost 5 marbles each and the product of the number of marbles they have now is 124. We would like to find out how many marbles they had to start with. तो देखिए फ्रेंड्स, क्या करना है कि गिवन सिचुएशंस जो है उसे पहले हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है, ठीक है। उसके बाद जो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हमारे जो आएंगे उसे सॉल्व करके आंसर फाइंड करने हैं, ठीक है। उसके रूट्स फाइंड कर लेंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ देखिए, जो पार्ट वन में बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग क्या बोल रहा है कि जॉन और जीवंती दोनों को मिला के 45 मार्बल्स है। तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि जॉन के पास एक्स मार्बल्स है। लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स विथ जॉन एंड जीवंती, सम दिया हुआ है 45, तो एक के पास x होगा तो अदर के पास कितना होगा, 45 माइनस एक्स एंड 45 माइनस एक्स रेस्पेक्टिवली, ठीक है। और आगे क्या दिया हुआ है, आफ्टर लूजिंग 5 मार्बल्स, ठीक है। 5 मार्बल्स दोनों लॉस करते हैं, उसके बाद जो उनके पास मार्बल बचा तो उसके प्रोडक्ट 124 के बराबर होंगे। तो आफ्टर लूजिंग 5 मार्बल्स, 5 मार्बल्स नंबर ऑफ मार्बल्स लेफ्ट विथ जॉन एंड जीवंती कितने बचेंगे, x है तो x माइनस 5 हो जाएगा जॉन के पास, और जीवंती के पास, जॉन एंड जीवंती विल बी x माइनस 5 एंड 45 माइनस x माइनस 5, तो 40 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। 45 में 5 माइनस हो जाएगा, तो 40 माइनस एक्स रेस्पेक्टिवली। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू गिवन सिचुएशन बोल रहा है कि दोनों का प्रोडक्ट जो है, ठीक है, तो देयर प्रोडक्ट एक 124 के बराबर होगा, ठीक है। देयर प्रोडक्ट इक्वल टू x माइनस 5 इंटू 40 माइनस एक्स, और ये किसके बराबर हो जाएगा हमारा, 124, ठीक है। चलिए मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा, 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200 प्लस 5x इक्वल टू 124। तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 45x, ठीक है, माइनस 45x, और ये 200 उधर जाएगा तो प्लस 324 इक्वल टू 0। अब क्या करने हैं कि इसके सॉल्यूशन फाइंड करने, मतलब x की वैल्यू फाइंड करनी और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट्स फाइंड करनी। तो हम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करने हैं हमें। क्या क्या करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड में, मिडिल टर्म को ब्रेक करेंगे और मिडिल टर्म के जो ब्रेक पार्ट्स आएंगे, जो ब्रेक किए हुए पार्ट्स आएंगे, उसके प्रोडक्ट दोनों के इक्वल होंगे आपको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के बराबर, ठीक है। अप्लाइंग फैक्टराइजेशन मेथड वी गेट, अब देखिए यहाँ पर हमारे फैक्टर्स हो जाएंगे x square minus, इसे ब्रेक कर सकते हैं 36x
एंड 9x, तो देखिए दोनों के सम आपको -45x है और प्रोडक्ट भी करेंगे तो आपको 324 के बराबर आ जाएगा, 324x2, ठीक है, 324 = 0। अब यहाँ देखिए कॉमन क्या आ रहा है, x into x minus 36 minus 9 x minus 36, ठीक है। तो दो फैक्टर्स यहाँ हमारे हो गए, x minus 9 into x minus 36, ठीक है, इक्वल टू जीरो। अब ये जीरो कब होगा, आइदर x = 9 or x = 36, ठीक है। सो द रूट्स ऑफ द अबव इक्वेशन आर x = 9 or x = 36, ठीक है। तो अगर जॉन के पास 9 आपके मार्बल्स हो जाएंगे तो जीवंती के पास कितने हो जाएंगे, 45 minus 9 = 36, और अगर जॉन के पास 36 है तो जीवंती के पास 9 हो जाएंगे, ठीक है। तो सम 45 आ ही रहा है, हेंस जॉन कैन हैव 9 मार्बल्स और 36 मार्बल्स एट द स्टार्ट, ठीक है, यही हमारा आंसर हो गया, 9 और 36। चलिए ये तो हो गया पार्ट ए पोन का सॉल्यूशन। अब एग्जांपल वन का पार्ट टू क्या है, देखिए यहां पर है आपका क्वेश्चन लिखा हुआ, ठीक है। तो देखिए पार्ट टू में क्या बोल रहा है आपको, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय इन रुपीज वॉज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस्ड इन अ डे, ऑन अ पार्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वॉज ₹750, वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये जो स्टेटमेंट दिए हुए हैं और इवन सिचुएशन दी हुई है उसके बेसिस पर हमें पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रेम करने हैं और फिर उसके रूट्स फाइंड करने हैं, ठीक है, और एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर गिवन सिचुएशन में बोल रहा है कि किसी एक पार्टिकुलर डे में नंबर ऑफ टॉयज एक्स अगर है तो आपके प्राइस जो होंगे पर टॉय 55 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है, और दोनों के प्रोडक्ट उस पार्टिकुलर डे में 750 के बराबर होगा। तो चलिए एक एक करके हम फाइंड करते हैं, लेट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे बी एक्स, ठीक है। देयरफॉर कॉस्ट पर टॉय क्या हो जाएगी, कॉस्ट पर टॉय इन रुपीज इक्वल टू 55 माइनस एक्स, और अकॉर्डिंग टू गिवन सिचुएशन बोल रहा है टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट पार्टिकुलर डे, तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो जाएगा टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगी, टोटल नंबर प्रोड्यूस्ड इनटू प्राइस पर यूनिट, तो प्राइस पर यूनिट यहाँ हमारा 55 माइनस एक्स है और ये किसके बराबर है, 750 दिया हुआ है, ठीक है, ये गिवन है आपको। तो अब हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या मिल जाएगी, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 55 एक्स प्लस 750 इक्वल टू जीरो, ठीक है। इसके अब रूट्स फाइंड करने हैं और जो भी एक्स की वैल्यू आएगी वही हमारा नंबर ऑफ टॉयज हो जाएगा। तो कैसे फाइंड करेंगे, अगेन अप्लाइंग फैक्टराइजेशन मेथड ठीक है। तो क्या हो जाएगा, फैक्टराइजेशन मेथड में क्या करते हैं, मिडिल टर्म को अगेन ब्रेक करेंगे। चलिए तो x square minus 30x
-25x plus 750 equal to 0। ठीक है, तो ये यहाँ x कॉमन लेंगे तो x -30 -25 अगेन x -30 इक्वल टू 0, और यहाँ हमारे फैक्टर्स आ जाएंगे x -25 इंटू x -30 इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के दो फैक्टर आ गए, तो रूट्स हमारे क्या क्या हो जाएंगे। सो द रूट्स ऑफ द अबव इक्वेशन आर x इक्वल टू 25 और x इक्वल टू 30। ठीक है, तो नंबर ऑफ ट्वाइस जो है, नंबर ऑफ ट्वाइस प्रोड्यूस आर 25 और 30। अगर 25 प्रोड्यूस हो रहा है तो हमारे प्राइस हो जाएंगे 55 -25 दैट इज 30, और 30 प्रोड्यूस हो रहे हैं तो हमारे प्राइस हो जाएंगे 55 -30 दैट इज 25। मीन दोनों का प्रोडक्ट जो है हमेशा दोनों केस में आपको 750 होगा ही। तो यही हमारा आंसर हो गया। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमने डिस्कस किया क्वेश्चन नंबर 2 के सॉल्यूशन। बाकी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट विजिट करें, प्लेलिस्ट की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।